हेलो रॉयल बुलेट फैमिली, हेलो रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स मोनू सागर, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। दोनों भाई हैं क्योंकि हम दोनों रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए सोचते हैं। आइए मिलते हैं आज आपके साथ। ये ग्लव्स हैं मोनू भाई। अब ग्लव्स में भाई साहब लोग दो दो घंटे हिसाब से ग्लव्स मैंने जब आर एंड डी करी भाई साहब, ये ग्लव आप एक बार पहन के देखिए, ये मात्र 600 रुपये के ग्लव्स हैं मोनू भाई। और इसका आप ये मटेरियल चेक करिए जो हमारे एक्सीलेटर पे रहता है। आप एक सच्चे इंसान हैं और आप सच का साथ देते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। ग्लव्स की फिटिंग देखिए, मोबाइल टच के लिए ये भी लगाया हुआ है, फिटिंग भी अच्छी है। इसके बाद इसमें ये भी ग्लव्स हैं ग्रीन कलर के, जो कि शाइन करें रात को अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो। देखिए आप यहाँ से पूरी शाइन आ रही है इसमें, रेडियम टाइप। ये भी एक बार पहन के देखिए, ये भी राइडिंग ग्लव्स हैं, 600 रुपये के, 600 रुपये का पेयर है। ये कलर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि इससे पता चले कि हमारे हैंड्स जो हैं वो वर्किंग में है दूसरी गाड़ी वाले। लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी। यस, 600 रुपये का पेयर है दोस्तों। राइडिंग गियर्स में सबसे पहले हमारी जो एल्बो और हमारे नीज को सेव करते हैं 1200 रुपये और 1400 रुपये। उसके बाद जो हमारे ये ग्लव्स हैं वो 600 रुपये के। और मोनू भाई की एक बड़ी अच्छी आदत लगी, इन्होंने हैंड टू हैंड टेस्ट कर लिया कि इसका ये टच वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये काम कर रहा है। इन्होंने अपने मोबाइल पे चेक किया। मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई विक्की, हमारे शोरूम के मेन इलेक्ट्रिशियन, जो सारी गाड़ियों की तारें ठीक करते हैं। जितने भी मतलब हम इंडिकेटर लगाते हैं, जो डिजाइनिंग जैसे कि आप यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं वाले, इस टाइप के जितने भी इंडिकेटर रहते हैं वो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है बहुत ही डिफिकल्ट वायरिंग का वो रहता है कि कौन सी वायर कहाँ पर लगानी होती है। तो भाई बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं सब। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे यहाँ पर कोई वर्कर नहीं, कोई मालिक नहीं, जितने हैं ये सब मालिक हैं, ये मालिक की तरह ही यहाँ ट्रीट करते हैं कस्टमर से। और यहाँ कस्टमर भी नहीं आते, यहाँ सब भाई आते हैं रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड पे। जैसे मोनू भाई है वैसे ही सारे मेरे भाई हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि मोनू भाई ये चाहिए होता है, फिर उसके बाद आपको ग्लव्स चाहिए होते हैं, एक मोबाइल होल्डर। यस, जो आपको मैंने लगा के दिया मोबाइल होल्डर में 3-4 वेरियंट है हमारे पास, जिसके अंदर वाटरप्रूफ भी है, विदाउट वाटरप्रूफ भी है, और चार्जिंग भी मिले। यस, ये चार्जिंग वाला जो हमारे को 40 मिनट में हमारे मोबाइल को चार्ज कर देता है, स्पीड चार्जर अच्छी क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का नहीं। ये देखिए अच्छी क्वालिटी का मोबाइल चार्जर, आप इसकी क्वालिटी देखिए, वायर की क्वालिटी देखिए, करोड़ बाग जैसे एरिया में ऐसा चार्जर ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। और इसके अंदर स्विच भी लगा हुआ है मोनू भाई, आप तो खैर यूज़ करेंगे करेंगे। ये देखिए USB पोर्ट है विद स्विच है। ठीक है, उसके बाद ये वाटर प्रूफ मोबाइल है होल्डर, इसके अंदर मोबाइल रखा, आप तो मोबाइल रखते ही आपका टच वर्क करता है, जिसकी जानकारी मोनू भाई ये आप अभी अपने जो सब्सक्राइबर हैं आप उनको दे सकते हैं। ये पूरा वर्क कर रहा है, हर एक चीज वर्किंग में है। एक्चुअली में यहाँ पे माइक लगा है, मैं इसका एक बार बड़ा पाउच दो, बड़ा पाउच काम कर रहा है। नहीं, हम बड़ा पाउच देंगे, वर्किंग भी इसमें दो साइज आते हैं, एप्पल मोबाइल के लिए छोटे भी आते हैं, और जो सैमसंग मोबाइल वाले हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये पूरे के पूरे। अब आप इसको यूज़ करके देखिए, चेन को बंद करके देखिए, प्रॉपर ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वाटरप्रूफ है, 100% वाटरप्रूफ है ये। इसमें चार्जर नहीं है दोस्तों, चार्जर अलग से लगता है, चार्जर भी है। फिर उसके बाद ये देखिए मोबाइल होल्डर है, इसके अंदर जैसे मुझे मोनू भाई दिल्ली में कंप्लेंट आई कि लोग चलती हुई बाइक में आपने जहाँ रेड लाइट वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने खींचा और भाग गए, फिर हमने उसके लिए चेक नेट वाला ही है
होल्डर बना दिया कि ये आपने अपना मोबाइल यहाँ लगाया और आपने इसको यहाँ पर ये हैंग किया, हैंग करने के बाद आपने इसको चेकनेट किया, चेकनेट करने के बाद आपने नट टाइट कर दिया, तो ये किसी की मजाल नहीं है कि आपके मोबाइल को कोई स्नैच कर सके, निकल नहीं सकता, ये निकल नहीं सकता, ये पूरा फिक्स हो गया। और इसकी कीमत 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, मैक्सिमम 400 रुपये भाई। तो ऐसी चीज़ें, अब ये मोबाइल चार्जर है जो हम उसमें लगाते हैं जब अपने पाउच में, तो उसके साथ ये 250 रुपये का मोबाइल चार्जर लग जाता है, इसकी चीज़ें नहीं वारंटी भी है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। तीन चीज़ें हमने दोस्तों अभी तक आपको डिस्क्राइब करी हैं, पहला राइडिंग गेयर्स में आपकी लेग्स, एल्बो, ग्लव्स, चार्जर। इसके बाद लद्दाख जाने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है आपके सेडल बैग्स, जो पीछे सीट पर डाल के राइट लेफ्ट पे आ जाते हैं, 25-25 kg के होते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने हैवी हम लोगों ने बनवाए हैं। बोलो भाई, लद्दाख कह रहे थे लोग लगवा लेते हैं, लेकिन बैग्स उल्टे सीधे टांग के उसके ऊपर पॉलिथीन टंगी होती है, और मेरे ऐसे लोग, मतलब ये होता है कि कम बजट वाले कहते ना क्या लगाए भाई लगा दो, बाकी ऐसे ही लपेट दो माल, पर एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करते हैं, हमने इन बजट काम किया हुआ है, कोई भी चीज़ है इन बजट है। जैसे ये बैग है मोनू भाई, आप इसका वजन देखिए पहले, क्या बैग हम लोगों ने डिज़ाइन किया और लगवाया है, ये स्पेशली डिज़ाइन है और ये वाटर प्रूफ है मोनू भाई, पानी पानी नहीं घुस सकता, और पानी घुसने के बाद भी ये आप मटेरियल देखिए मोनू भाई, और ये अगर तो मैं फैला लेता हूँ तो 25 kg पूरा जो हमारा हैंड बैग होता है ना, वो आराम से इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और या तो सीधे कपड़े भी डाल, और प्लस पॉइंट है कि आउटर भी जेबें हैं, बॉटल के लिए जगह है, पेन के लिए जगह है, और यहाँ पर जगह है, आप देखते जाएं कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने मेहनत की है, और जब पीछे गाड़ी चल रही हो तो रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम कपड़ा मोनू भाई, इसकी कॉस्टिंग 1000 रुपये का ये बैग है, मात्र 1000 रुपये का। ये सुनकर लग रहा है कि मैं कहाँ लेकर आ गया अपना बैग, इसी को डाल के ले जाता हूँ। आप एक और वजन देखिए, 3-1 kg का वजन, मोनू भाई आप देख सकते हैं, मतलब मेरा ये मानना रहता है कि अगर आपने लद्दाख कैरियर नहीं भी लगवाया होगा तो सीधे इवन बैग आप सीधे डाल सकते हैं, आप सीधा बैग डालिए और जाइए राइड पे, और जब होटल में आप एंटर करें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ ये दोनों उठाया और आप अपने होटल में चले गए, चलती है प्लग एंड प्ले। फिर मोनू भाई एक प्रॉब्लम आती मोबाइल की, और कई बार ऐसा होता है कि खूब बारिश पड़ रही होती है, रेनकोट पहना होता है और हम लोग पूरे भीगे होते हैं, क्योंकि मैं भी राइडर हूँ, उसके लिए हमने एक टैंक बैग बनवा दिया, ये मैग्नेटिक है, तो जो मैग्नेट लगी हुई है सीधे टैंक के ऊपर रखी है, सीधा टैंक के ऊपर रखा निकल, और इसका भी टच वर्किंग है मोनू भाई, इसमें भी अपनी बेस्ट है, टच वर्किंग है मोनू भाई, टैंक के ऊपर रखा और इसको हमने एंजॉय किया। और अगर मैं अब इसकी कीमत बताना चाहूँ तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी क्या कीमत हम लोगों ने रखी है, ये देखिए मोनू भाई ये पॉकेट्स है, इधर इसमें आप अपना पर्स रख सकते हैं, कुछ भी आप रखिए, ये देखिए इसमें गाड़ी के जो मेन डॉक्यूमेंट रहते हैं डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, और मोबाइल सिंपल मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं, नेविगेशन में मात्र 500 रुपये। ये सारी हमारी अपनी चीज़ें बन रही हैं, जिसमें लेग गार्ड्स हम बना रहे हैं, साइलेंसर्स बना रहे हैं, अलॉय व्हील्स हमारे आ चुकी हैं राडो के नाम से, हैंडल्स हम लोग बना रहे हैं वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हम जाते हैं हाईवे पे तो हमारे साइड ग्लासेस और हमारा हैंडल बहुत वाइब्रेट करता है, हमने साइड ग्लासेस भी R&D करके बनवाए हैं, जिसमें कीमत 450-550, जो वीडियो आप लोग रॉयल बुलेट एक्सेल वर्ल्ड पे देख चुके हैं, जो 5 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया, वो शीशे भी मैं अपने यूट्यूब चैनल जो है वो भी मेरा ही है मोनू सागर वाला, वो कोई बाहर का नहीं है, रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए। ये साइड मिरर 550 रुपये का है, जो रिमूवेबल है, ऐसे करके चलता है। एक बार बताता हूँ, ये मार्केट में मैंने पता किया ना तो 1200 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं मोनू भाई, 1200 रुपये की रेंज में। कोई बात नहीं, जो बेच रहे हैं हमें, हम रॉयल एनफील्ड के प्यार करने वालों में से हैं। देखिए ये फंकी लुक का, ये देखिए, जो मेरे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनको ये शीशा बहुत पसंद आता है। और उसके बाद ये देखिए साइड मिरर्स, ये देखिए 450 रुपये की रेंज के हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा रेंज नहीं है इस शीशे की ना, कभी आप अमेजोन पे मैंने देखा कि 900-900 रुपये के बिक रहे हैं, आराम से खरीदते हैं और लोग खरीदते हैं वहाँ पे, अगर आपको भरोसा है तो बिल्कुल यहाँ से
से मंगा सकते हैं, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, पर माल सबका पहुँचता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रहा है, सबका पहुँच रहा है, और जिसका जितना खर्चा रिटर्न हो जाता है सामान वापस आ जाए, एक मिनट में हम पेटीएम वापस कर देते हैं, उसका पैसा जाएगा वापस। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आपका पैसा चाहिए, आपका पैसा नहीं है वो मेरा पैसा है, तो जो मेरा पैसा वो आपका है, ऐसी कोई गलती हो रही तो हम उसको बिल्कुल क्योर कर रहे हैं, बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि पैसा आपका खाली है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तो लोगों के अंदर गलत फहमी यही पैदा होती है। और भाई मुसलमान भी दोस्त है हमारे, आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, लास्ट टाइम कहते हैं जय हिंद वंदे मातरम, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, तो मुसलमान से मैंने एक चीज़ सीखी कि ईमान मुसलम होना चाहिए, अगर आपका ईमान मुसलम है तो आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने से आप मुसलमान नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि अमानत में कभी खयानत ना कीजिए, किसी भी चीज़ को पराई चीज़ को अपना मत मानिए, तो उसी तरीके से ये सारे धर्म सब शास्त्र एक ही चीज़ सिखाते हैं, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जैसे हमारे मोनू भाई तो है, मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे लद्दाख कैरियर में वापसी आते हैं, लद्दाख टूर पर वापसी आते हैं, हमने आपको लद्दाख कैरियर दिखाया जो मोनू भाई में लगे, पॉकेट दिखाई, और इसके बाद हमने आपको बैग्स दिखाए, हमने ग्लव्स दिखाए, रियर में ब्लिंकर होना बहुत ज़रूरी है जो हाईवे पे चल रहे हैं, रियर पीछे, क्योंकि जब हम अपने बैग्स डालते हैं तो हमारी रियर लाइट बिल्कुल गायब हो जाती है, उसके लिए जो ब्लिंकर है पीछे का ब्लिंकर उसकी कीमत 250 रुपये की है दोस्तों, मात्र एक टूर करके आ जाए और ब्लिंकर चल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे 250 रुपये वो सार्थक हो गए, वो हमारे वसूल हो पैसा वसूल। मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, ये देखिए 250 रुपये के दो ब्लिंकर, और इनके मोड्स देखेंगे तो आप कहेंगे कमल भाई वाकई में बड़ी मेहनत करते हो दिल्ली में रह के, हमने एसेसरीज वालों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भैया रॉयल एनफील्ड वालों को माल अच्छा देना शुरू कर दो वरना दुकानदारी ठप हो जाएगी। और इवन क्या है ना, अरे ये जितना सामान यहाँ पर एसेसरीज का मिलता है शायद ही मतलब छोटी जगह इंडिया में नहीं मिलता। नहीं ऐसा नहीं हो भाई, नहीं मैंने बॉम्बे घूम रखा है, बड़ी बड़ी सिटियाँ घूम रखी हैं, मैंने जितने एसेसरीज यहाँ देखे रॉयल बुलेट एसेसरीज में शायद ही कहीं मिलते, बात को मानना पड़ेगा, मैं दिल से कह रहा हूँ। और एक बात और हो रहा है कि मैंने कोई और बाइक का सामान ही नहीं रखा, मैंने एक ही गाड़ी बड़ी बार चलाई है रॉयल, और एक ही गाड़ी का मेरे पास सामान है वो है रॉयल एनफील्ड, बात को मानना पड़ेगा, जो वैरायटी आपको यहाँ मिलती है शायद ही कहीं और देखने के लिए मिलेगी। और भाई पता क्या है कि डिवोशन सिंगर हूँ, डीसी कंपनी में गाने बजाने का मेरा काम है, और आप भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बेटा भी अप प्रमोशन पे है जिसका प्यार मुझे मिला है हार्दिक, आपने भी उसका वीडियो शेयर किया हार्दिक आनंद, और उसका अपकमिंग कवर सॉन्ग भी आने वाला है, फिर उसके बाद उसका खुद का भी गाने आने वाला है, तो हम लोगों की जो मेंटेलिटी है वो इसमें एक्सेसरीज में खूब सारा पैसा कमाना नहीं है, हमारी मेंटेलिटी ये है कि आने वाले 5 सालों में रॉयल एनफील्ड के हर प्यार करने वालों को ऐसी एक्सेसरीज मिले, और उसको मालूम होगा जो अगर मेरे को कोई एक्सेसरीज लगानी है वो मिलेगी रॉयल बुलेट एक्सेसरीज, ऐसा नहीं है उनको हिंदुस्तान में मिलेगी, लेकिन जो एक्सेसरीज बना भी रहे हैं उनको भी अब अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जब हम दो भाई मिले हुए हैं तो हमने कई चीज़ों से पर्दा उठाया, जैसे भैया वो कूल ड्रिंक हेडलाइट जो 35-35 वाट के लोग लगवा रहे थे, अब उनको अब वो जब दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं हमें कमल भैया ने बता दिया कि भाई कितने वाट की है, और वो पहले 5000 रुपये की लगती थी, आज 2200 रुपये की हम लोग बेचने पर मजबूर कर दिया है 75 वाट की, अगर उससे कम वाली है वो तो 950-1100-1200 की पूरी मार्केट में मिल रही है। इवन मेरे एक मतलब मेरे हमारे यहाँ लोकल भी है वो गुजरात से आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा कि यार मैंने वीडियो देखी थी कमल आनंद जी की कि वो 75 वाट की हेडलाइट चाहिए मेरे को, वो लेके गए तो उन्होंने दिन में यूज़ किया, मैं रियली बता रहा हूँ उन्होंने दिन में यूज़ किया, उन्होंने कहा कि यार इसका लाइट में मज़ा नहीं आया, मैंने क्या बात कर रहा हूँ रात को चेक करते जब वो रात को उसका रिजल्ट देखा तो वो खुद कह रहे हैं। इवन क्या है ना जो हम DRL लगाते हैं तो उसमें नज़दीक कम दिखता है पर जो दूर का फोकस है ना ऐसा कमाल का फोकस है कि मतलब 1.5 किलोमीटर आराम से बिल्कुल दूर तक का देख सकते हैं। और भाई तो कमाल की थी एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये स्पेशली डिज़ाइन इंडिकेटर हम लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं, इस इंडिकेटर का प्लस पॉइंट है जो रॉयल एनफील्ड वाले कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं और जिनको तेज रोशनी 1000 के साथ चाहिए होती है के लिए ये इंडिकेटर है, इसकी रोशनी ऐसे जैसे फॉग लाइट हो, और
ये देखिए ये देखिए, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, नीचे भी चला जाता है और रोशनी। मुनु भाई एक बार आप देखिए चीज, ये आंखों में चूहे मत गजब की है, दूर से ही पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये इंडिकेटर, ये 1000 रुपये का चाह रहा है मुनु भाई। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो प्यार करने वाले आते हैं और वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं। कमल भाई कमाल है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि एक ये लोग, मतलब ये लोग तो मेरे को लगता है कि हर किसी के पास होना चाहिए, इसके बाद रॉयल इनफील्ड है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का जो सेंटर लॉक है जिसको हैंडल लॉक बोलते हैं वो उतना खास नहीं, नहीं है, टूट जाता है। और मतलब जो हमारा चाबी लॉक भी है उसको भी हम आराम से डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बनाया नहीं इसका वीडियो, पर वो नॉर्मली इंसान कर सकता है, तो तार को तोड़ के आराम से लगा सकता है। पर ये अगर हम अपनी गाड़ी में लगाते हैं, हमारे पास क्लासिक है डिस्प्ले, तो आराम से इसको इजी टू इंस्टॉल ऐसे कर सकते हैं और हमारी गाड़ी का सिक्योरिटी बढ़ जाती है, 90% सिक्योरिटी बढ़ती है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं जाए। दोस्तों मुझे तो, मैं इस लॉक को यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मेरे पास है 150 रुपये का, ये हम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे एक दो बार कस्टमर ने बोला कमल भैया थोड़ा सा हल्का है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी चीज़ डिज़ाइन करेंगे जो हल्की नहीं होगी। फिर आज मोनू भैया की पहले आते नज़र ये पड़ी कि कमल भैया ये डिस्क लॉक कर किसने बनाया, मैंने आपके भाई ने डिज़ाइन करवाया है, आपके भाई ने बनवाया है। मोनू भैया इतना प्यारा डिस्क लॉक है, जो यूज़ कर रहा है वो मुझे दुआएं दे रहा है। कमल भाई कई बार तो गाड़ी चोरी होने से बची, कीमत मात्र 300 रुपये मोनू भैया। और क्या लोगे 300 रुपये में आपकी गाड़ी, बिल्कुल आज टाइम पे भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं एक चीज़ और डिस्क्राइब करना चाहूँगा, कोई भी सब्सक्राइबर ये ना सोचे कि मोनू सागर यहाँ पर रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड को प्रमोट करने आया है। मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी भी प्रमोशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम लोग रॉयल बुलेट फैमिली हैं, हम लोग रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जिस तरीके से मोनू भाई से आप लोग प्यार करते हैं, उसी तरीके से मुझे भी बहुत प्यार मिल रहा है, मोनू सागर चैनल से मिल रहा है, अपने चैनल से मिल रहा है, हम लोग सब एक हैं, हम लोग ब्लॉगर नहीं है दोस्तों। मैं ये चीज़ डिस्क्राइब करना चाहूँगा, हिडन बात है, हम लोग ब्लॉगर नहीं है, हम लोग बुलेट लवर हैं, हम लोग एक्चुअल में बुलेट लवर हैं। मेरा जो मेन कारण यहाँ पे आपके जो वीडियो बनाने का वो ये है कि जो चीज़ यहाँ पर है वो लोगों पास पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। बिल्कुल, और हम लोग ब्लॉगर होते हैं तो हमें ये होता है कि हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, हमें यूट्यूब से पैसा कमाना ऐसा कुछ नहीं है। पैसा मोनू के पास भी है, पैसा हमारे पास भी, आप लोगों की कृपा से, माता रानी की कृपा से, खुदा की कृपा से बहुत है। हम लोग एक रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन लवर हैं। मोनू भाई छोटी सी बात आपके चैनल वालों को बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। जब मुझे लड़की वाले देखने आए थे पंजाब का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले बात पूछी थी कि कौन सी बाइक है, मतलब बुलेट है, पंजाबी जी कहते हैं बुलेट है। तो मेरे जो मेरे चाचा ससुर थे उन्होंने पूछा केड़ी है, मैं कहती स्टैंडर्ड बत्ती है, वो भी डिस्पोजल दी, सिविल दी नहीं है, जो आर्मी से डिस्पोज करके रेडी कराई जाती है। हमारे पंजाब में बड़ा ये फैशन है, मेरे को इवन आज भी फोन आते हैं पंजाब से कि मेरे को डिस्पोज गाड़ी चाहिए, उसको पूरा बनवाना है। तो मोनू भाई हम लोग तब से 1988 से, मैं 91-92 में कॉलेज ज्वाइन किया था, 45 साल की उम्र है बेटा आज फर्स्ट ईयर में है, तो हम तब से बुलेट के प्रेमी हैं, प्यार करने वाले हैं। तो ब्लॉगर नहीं है भाई लोगों, हम दोनों भाई, मुझे इससे बहुत प्यार है क्योंकि एक जैनवन आती है, देसी पहाड़ी है, मैं देसी पंजाब का हूँ, तो जब दो देसी मिलते हैं तो फिर तो मज़ा आता ही है, लेडी बाहर आती है, सच्चाई बाहर आती है। अच्छा एक और चीज़, अगर हम अपनी गाड़ी में कोई GPS सिस्टम लगा सकते हैं, मैं बता मोनू भाई, बुलेट के अंदर GPRS सिस्टम कामयाब नहीं होता है, वो कामयाब मैंने इसलिए मैंने लगाया, आपने मीटर वाली वीडियो डाली लेकिन मुझे पता वो गलत डल गई, आपसे गलत डली, मेरे से भी गलत डली, लास्ट में रिजल्ट क्या है कि मत खरीदो। मेरे को पता है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल वीडियो दूंगा थोड़े टाइम के बाद। तो ऐसे ही GPRS के ऊपर मैंने भी R&D करी, मैंने भी 5-6 हज़ार रुपये फूंक दिए, लेकिन रिजल्ट आया 0, क्योंकि हमारी वायरिंग है खुली हुई, हमारी वायरिंग ओपन वायरिंग है, कोई भी इंसान ऐसे कट मारता है और हमारी गाड़ी चुरा के ले जाता है। बैटरी लोग कोई भी तोड़ सकता है, बैटरी निकाल सकता है, तो GPRS बेचारा क्या काम करेगा।
तो कोई काम नहीं कर सकता है। इतनी डिटेल में हम लोग आपसे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हम ये रात को इतनी रात को ये मोनू भाई आए हैं, इन्होंने लद्दाख जाना है और हम लोग बना रहे हैं, किस लिए कि हम रॉयल एनफील्ड के प्रेमी हैं जो हमें फॉलो करते हैं। आप तक का सही नॉलेज पहुँचना जरूरी है कि आपने एक दो वीडियो देखी कि जीपे सिस्टम है ले लो खरीदो काम आएगा, पर एक्चुअल में वो चीज़ काम करेगी क्या, वो आपके कारगर है क्या, वो आपके काम की है, ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। जी मेरे सिस्टम का कोई यूज़ नहीं है रॉयल एनफील्ड में, कुछ देसी काम कीजिए, चेन और ताला लगाइए और उसको बांध लीजिए। और मैं एक चीज़ रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स पे मोनू भाई शेयर करना चाहूँगा, बड़ी मेजर एक्सेसरीज का मतलब है एक्सेसरीज, किसी भी चीज़ को मढ़ना, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा कर देना वो एक्सेसरीज नहीं है दोस्तों। मोनू भाई ने आगे मुझे तीन चीज़ें कही, कमल भाई एक मुझे लद्दाख कैरियर चाहिए, एक मुझे लेगर चाहिए, एक फोन चार्जर चाहिए। अब ये तीन चीज़ें एक्सेसरीज में आती हैं, ये आगे कहते कमल भाई एलॉयज डाल दो, सेंसर बदल दो, ये बदल दो, वो एक्सेसरीज में मैं नहीं काउंट करता हूँ। तो दोस्तों जिसकी ज़रूरत है आपको वो मेरे से मंगवाइए, 100% आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो पेटीएम आपका वापस पहुँचेगा, आपके अकाउंट में पैसे वापस पहुँचेंगे, लेकिन एक्सेसरीज का मतलब एक्सेसरीज है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। अच्छा एक और मतलब मैं ये सवाल जो मेरे जो जहन में मेरे भाई जो मेरे पूछते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली आज, अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कराऊं और कब तक करानी चाहिए, एक छोटा सा सवाल हो। मैं मोनू भाई एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मैं एक पर्दा हटाना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं एलॉयज डाल के आप पहाड़ पर नहीं जा सकते क्योंकि वो टूट जाते हैं, वो इसलिए लोग बोलते हैं कि एक मछली तलाब को गंदा कर दी, अगर हम डाई कास्ट का 5,000-5,500 वाला एलॉय खरीद लेते हैं और वो डाल के चले जाते हैं तो वो नेचुरली भाई टूटेगा। अगर आपने प्योर एल्युमिनियम का एलॉय डाल रखा है और जेन्युइन एलॉय डाल रखा है और जिस बंदे से आपने एलॉय लिया है उसने आपको गारंटी दे रखी है, उसकी बैरिंग की केस बिल्कुल टाइट जा रही है, तो आप पहाड़ नहीं, आप उसको कहीं भी ले जाएं गाड़ी को। बातों की गहराई को समझो। हाँ ठीक है, इवन आपको मिल रहा है 4,500 में इवन मिल जाता है, पर उसमें क्वालिटी मिलना बहुत जरूरी है भाई। जो भाई लोगों, मैं जब जाता हूँ चाइना या ताइवान और जब मैं चीज़ें नोट करता हूँ तो भाई 5,800-6,000 की कॉस्टिंग मुझे इंडिया दिल्ली में आगे बढ़ती है, और लोग कैसे 5,500 का बेच लेंगे अगर वो प्योर एल्युमिनियम मंगाते हैं। खुद ही अपना भी खुद दिमाग लगाओ, बिल्कुल लगाओ। और ऐसा सबसे पहली बात कि एलॉयज अगर आप शौक है, एलॉयज हमारे लिए नहीं है, एलॉयज दूसरे के लिए है, क्योंकि एलॉयज जाने के बाद हम तो अपने एलॉय चलाते हुए देख नहीं पाते, लेकिन दूसरा जरूर देखता है कि यार इसके पहिए बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये खूबसूरती हमें खुद को महसूस नहीं होती, सामने वाला देख के बताता है कि हो जा रहा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट एलॉयज की। फिर साइलेंसर, अगर आप दिल्ली NCR या किसी बड़े शहर में रहते हैं तो सेंसर्स के लिए ना है दोस्तों, कोई भी फ्री फ्लो सेंसर ना लगाएं, गाड़ी को हार्म करता है, हमारे पड़ोसियों को हार्म करता है, बहुत दुखी करता है। ग्लास वूल इंदौरी के इंदौरी सेरेमिक वूल का कोई भी सेंसर लगाओ दोस्तों, वो इंजन को, ये तो मेरा भाई बता देगा टेक्निकली बड़ा साउंड है, वो इंजन को हार्म नहीं करता है। तीसरी चीज़ लेग गार्ड बहुत ज़रूरी है रॉयल एनफील्ड के, क्योंकि गाड़ी अगर गिर जाए तो आप अकेले गाड़ी लद्दाख राइडर में, खुद इसीलिए लगा रहा हूँ कि एक बार पीछे देखते हैं कि देखिए मैंने खुद अपनी गाड़ी में लगा रखा है, इसीलिए क्योंकि अगर गाड़ी गिरती है छोटी हाइट वाले हैं तो मतलब गाड़ी की टंकी बंद कर, जो हमारी गाड़ी की टंकी होती है वो बंद सकेंगे, सेफ रहेगी। मोनू भाई टंकी से ज़्यादा ज़रूरी मोनू भाई की टांगे हैं, मोनू भाई के हाथ है, तो लेग गार्ड हमारी इन चीज़ों को सिक्योर करता है, सेव करता है, ये हमारी एक्सेसरीज की आइटम है। सीट्स में प्रॉब्लम आ रही है सीट्स पर डलवा लीजिए, नहीं तो कस्टमाइज सीट्स मंगवा लीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी है एक्स्ट्रा लाइट लगवा लीजिए, रात को चलते हैं हमारा लंबा सफ़र है। मोनू भाई जो राइडर्स हैं, राइडर ये नहीं कि 200 किलोमीटर चला रहा था, वो राइडर है जो रोज़ अपने ऑफिस गाड़ी लेके जाता है बुलेट को, वो भी एक राइडर है जो 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर आता है, उसको रात भी मिलती है सुबह भी मिलती है बारिश भी मिलती है, वो एक्सेसरीज लगवाए जिसकी उसको ज़रूरत है, ये एक्सेसरीज की एक डेफिनेशन है।